एक बात मुझे हमेशा जो मुझे शायद आप इसको लेकर सजग हैं या नहीं कि आपकी कुछ टाइटल से भी लगता है कुछ आपकी जो दुनिया जब बाद में मैन सीरीज के बाद आपने जो काम शुरू किया है काफ्का का चूंकि आपकी एक पेंटिंग का टाइटल ट्रायल है जो कि 70s की पेंटिंग है जिसमें कुर्सियां हैं और एक उन्हीं दिनों का वर्क है जिसमें एक तरफ खाली कुर्सियां हैं खाली कुर्सियां एक तरफ कुछ लोग बैठे हैं बिल्कुल तो उन कामों को देख के और आपके बाद के भी एक सीरीज मेटामॉर्फोसिस उसका नाम है तो मुझे लगता है कि जैसे आप काफ्का को पढ़ा था उन दिनों आपने मैंने पढ़ा ही नहीं मैंने नाम बहुत सुना है और मुझे पढ़ने का शौक इतना कम है खासकर नॉवेल्स और ये तो पढ़ते ही नहीं दोनों आपके टाइटल काफ्का की किताबों के नाम है अच्छा 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 तो वो मार्कोसिस भी अच्छा अच्छा तो ये मैंने अपने आप ही दिया एंड आई डिडंट नो कि उसमें हाँ मैंने पढ़ा भी नहीं काफ्का को हालांकि इतना सुना राइटर्स के बीच में बैठते थे तो आफ्टर ऑफन डिस्कशन थे हाँ ये मैंने कहानी भी सुनी है लेकिन ये नहीं पता था कि उसका टाइटल ये है हाँ 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 ये किसी ने बैठते थे डिस्कशन होते थे तभी उसने बताया तो मुझे बड़ी बढ़िया मेटामॉर्फोसिस लेकिन आपका जो रियल वर्ल्ड है वो एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी वाला है जैसे ब्लीक वर्ल्ड जिसमें आदमी तो जब आपने वो मैन 80s में जो आपने काम शुरू किया जब आपने अपनी फेमस हो चुकी टेक्निक को शुरू किया यानी कि रंग को ब्लेड से घुसने वाली तो उससे पहले आपका जो कलर की दुनिया अब आप देखिए उस समय वो कलर भी अच्छे लगते थे लेकिन जब मैं अब रिट्रोस्पेक्ट में आपकी किताब जब देखता हूँ सारी पेंटिंग पुरानी बात की तो मुझे लगता है कि जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट आपका वर्क जो है वो आपका बहुत अलग है मतलब वो इतना ज्यादा हॉन्टिंग है वो आज की आदमी की रियलिटी को इतना ज्यादा आपको खुद लगता है कि आप कलर में उतना कंफर्टेबल थे जितना कि मुझे लगता है कि जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट के ही पेंटर हैं बेसिकली आपको कलर ऐसा नहीं है कि आप कलर ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलर की शेड्स हैं या लेकिन जो आपके 70s के काम है वो अगर अलग से देखे जाए तो अट्रैक्टिव लगेंगे लेकिन कंपेयर कर आपकी दुनिया मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एग्जिस्टेंशियल एंग्स की दुनिया आप खुद कैसे महसूस हाँ नहीं बात ठीक है क्योंकि ऐसे में मैच्योरिटी भी आ जाती है जैसे पहले लेबरर्स का बड़े सेंटिमेंटल थे अपने बारे में भी कि गरीबी है फिर उसके बाद वो एप सीरीज है कि एक तरह का बिटर सटायर बिटरनेस है वहीं से थिंकिंग एकदम शुरू हो गई थी कि ये जो बिटरनेस है या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये बड़े लोकलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं आप जिस वातावरण में रह रहे हैं आप उसी को आर्ट में डिपिक्ट कर रहे हैं विच इज़ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ ए थिंग तो मुझे लगा कि आर्ट पर्सनल नहीं होने चाहिए इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल ताकि जहाँ भी जाए हर किसी को अप्लाई करे वो ह्यूमैनिटी के लिए तो उसके बाद मेरी अप्रोच चेंज हो गई कि पेंटिंग जो है ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है एक अच्छा गाना कोई भी सुनेगा कहेगा वाह तो पेंटिंग भी ऐसी होनी चाहिए ना कि पता चले कि अच्छा 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 उस कंट्री में ऐसा होता है या ऐसे कपड़े पहने जाते हैं तो मैं कोई इलस्ट्रेटर नहीं हूँ कि दिखाऊँ कि ये हिंदुस्तानी हैं या इस यहाँ करप्शन है ये हर जगह दुनिया में है तो मेरा फिर वहाँ से एटीट्यूड चेंज हो गया जैसे हर साल मेरा पहले भी मैंने एक कई बार बताया कि मेरा पीरियड जैसे 10-10 साल का आया जैसे एप सीरीज तक का 10 साल का था पीरियड और उसके बाद जब मैन सीरीज शुरू हुई अगेन 10 साल तक वो चला एंड सडनली देन आई वाज फेड अप एंड मैंने कहा कि एवरीथिंग हैज़ बीन सेड और उसके बाद फिर दूसरी सीरीज आई तो जब मैन सीरीज आई तब तक मेरे थिंकिंग चेंज हो चुकी थी वो पर्सनल से मैं थोड़ा हट गया तब इसीलिए वो मैन सीरीज़ में सारा मैनकाइंड का आता है इसलिए वो न्यूडिटी है उसमें कि कपड़े पहन के किस क्यों मैं ये शो करूं कि वो किस कंट्री को किस ज़मीन के टुकड़े को वो बिलोंग करता है सो इट्स इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन तो उसके बाद भी जितनी सीरीज निकली जैसे एब्स्ट्रैक्ट्स भी थे उसमें भी ह्यूमन सिग्नेचर्स एज ए